वेलकम टू श्री जी आई एस इंस्टीट्यूट। हम सिंगापुर की बात करते हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है, इसी बीच में न्यूज़ भी आ रही थी कि वो मालदीव्स गए हैं, मालदीव से सिंगापुर गए हैं। तो सिंगापुर न्यूज़ बना, तो थोड़ा सिंगापुर के बारे में हम देख लेते हैं। तो सिंगापुर जो एक आइलैंड कंट्री है, जो कि मलय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पे ये बसा हुआ है, ये जो देश है ये बसा हुआ है। ये जो सिंगापुर जो कंट्री है वो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में भी ये बसी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका लोकेशन पूछा जाता है कि इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में कौन सी कंट्री है। तो यू कैन आंसर सिंगापुर। इसके अलावा एक ऐसी कंट्री है जो नॉर्दर्न उत्तरी हेमिस्फेयर और पूर्वी गोलार्ध दोनों में ये बसी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये इक्वेटर पे है? नहीं, ये इक्वेटर पे नहीं, ये 1 डिग्री अबाउ लेटिट्यूड, 1 डिग्री ऑफ लेटिट्यूड अबाउ द इक्वेटर। ये जो है सिंगापुर, ये 1 डिग्री जो लेटिट्यूड है ये इक्वेटर से ऊपर की ओर है। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये साउथ चाइना सी से पूर्वी तरफ ईस्टर्न साइड में अपनी बॉर्डर शेयर करती है, वहीं पश्चिमी तरफ ये स्ट्रेट ऑफ मलका से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा सिंगापुर के बारे में एक फैक्ट और है कि ये जो लार्जेस्ट पोर्ट है साउथ ईस्ट एशिया में, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट मेरीटाइम पोर्ट है इन द वर्ल्ड। और सिंगापुर जो है वो सेकंड ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है एनएसएसओ, उसको मर्ज कर दिया गया था सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस से 2019 में, और इसको बना दिया गया है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो कि अब कई जो अपने डाटा है वो रिलीज करता है और उनको कंपाइल करता है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जिसे हम जानते हैं, वो कंपाइलेशन और उसको रिलीज करने का काम जो है एनएसओ द्वारा ही करा जाता है। NSO जैसे कि मैंने बता दिया है, इसको क्रिएट करा गया है आफ्टर मर्जिंग ऑफ CSO प्लस NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस को मर्ज करके नेशनल स्टैटिक ऑफिस बनाया गया। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जो अर्बन है नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, उनका भी जो CPI है वो रिलीज करता है NSO। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटिस्टिक और जेंडर स्टेटिस्टिक्स के भी जो इंडेक्स हैं वो रिलीज करता है NSO। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IIP कौन रिलीज करता है या CPI जो है वो अर्बन के लिए कौन रिलीज करता है। तो ये दे आर रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंडिया का राइट नाउ 1.2% ऑफ GDP है, जो कि इकोनॉमिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि इस साल के अंत तक ये 3% हो जाएगा GDP का, जो कि एक चिंता का विषय है। इसमें जो अभी राइट नाउ 1.2% है, इसमें 0.9% का अप हुआ है आफ्टर पोस्ट कोविड पेंडेमिक जो हिट करा था उसके बाद जो है, उसके पहले जो था उससे कंपेरेटिवली 0.9% ये बड़ा है। पहले ये 0.3% था, 1.2% हो गया, और साल के अंत में ये 3% को छूने की बात करी जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। करंट अकाउंट होता क्या है? करंट अकाउंट ये होता है कि जो भी आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है दोनों का, गुड्स और सर्विसेज का, उसके अलावा जो भी आपका रेमिटेंस है या ट्रांसफर है, यहाँ से पैसा भेजना है या बाहर से पैसा जो रेमिटेंस आता है, उनको उनकी कैलकुलेशन से ही करंट अकाउंट बनता है। यदि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस होगा, और वही का वही यदि रेमिटेंस ज्यादा है तो भी करंट अकाउंट आपका ज्यादा होगा। तो ये जो होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का यू कैन से इट्स अ हाफ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ, क्योंकि दो कंपोनेंट जो होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिलकर बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, दोनों को मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का देखा जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक चिंता का विषय है। करंट अकाउंट डेफिसिट ही एक मेजर कारण था जो कि अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस है, तो इसलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। और
इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट कई पॉलिसी ला रही है जिसके अंदर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्ट्स थोड़ा महंगा और बनाया जाए, और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दे रही है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो राइट नाउ 1.2% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। उसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्ट कर सकती है। अभी तुंगभद्रा रिवर के बारे में चर्चा में बना हुआ है। ये तुंगभद्रा रिवर जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से ओरिजिनेट होकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बहती हुई तेलंगाना स्टेट के अंदर कृष्णा रिवर में जाकर ये मिल जाती है। ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। उसके अलावा मंकी पोज जो है अभी काफी न्यूज में बना हुआ है। ये रेयर डिसीज है जो कि वायरस डिसीज है, और ये इसमें वायरस का जो जो स्ट्रेन है, जो वायरस है वो डीएनए है ना कि आरएनए है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डीएनए मंकी पॉक्स वायरस है। इसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जा रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्ट्रेड एडमिनिस्टर्ड इन मंकी पॉक्स वायरस। सो योर ऑप्शन वुड बी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और इबोला और आई थिंक कोविड। तो वो कोई सा भी ऑप्शन है ध्यान रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो इसमें एडमिनिस्टर करा जा रहा है टू सेव द पर्सन फ्रॉम मंकी पॉक्स। उसके अलावा मंकी पॉक्स जो है वो चिकन, जैसे कि मैंने स्लाइड में मेंशन कर रहा है, मंकी पॉक्स इज नॉट रिलेटेड टू चिकन पॉक्स। इसके सिम्टम्स जो है स्मॉल पॉक्स से मैच खाते हैं, और स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो ही इसमें यूज कराया जा रहा है। गोदावरी जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर गंगा, और थर्ड लार्जेस्ट है इन इंडिया। ये इसका जो उद्गम स्थान है वो है त्रिमगेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, और ये फिर महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा होती है बंगाल में समा जाता है। अभी एक न्यूज में बना हुआ है ITU-U2, एक बीच में क्वेड भी न्यूज में आया था, और इसे वेस्ट एशियन क्वेड माना जा रहा है। वेस्टर्न एशियन क्वेड, क्वेड जो था वो क्वाड्रिलेटरल को डिनोट करता है, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। इसके अंदर इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस है। इससे ही आई टू मतलब इंडिया और इजराइल, I2 दो बार आई है, एक बार इंडिया और एक बार इजराइल, स्टैंड फॉर इंडिया एंड इजराइल, एंड U2 यूएई एंड यूएस। और अभी इसकी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर की जो ITU-U2 की जो मीटिंग है वो हेल्ड हुई इजराइल में। अभी एक मैप से क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो कौन कौन सी कंट्री फॉल करती है, विच कंट्रीज फॉल इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम यदि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है। साउथ अमेरिका में इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री है, वन इज मैक्सिको, इट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिको, देन इट कट्स बहामास, देन हम अफ्रीका में आते हैं तो वेस्टर्न सहारा, मोरिटेनिया, देन अल्जीरिया, माली, नाइजीर, लीबिया, इजिप्ट। देन व्हेन वी एंटर्स इन एशिया इट कट्स सऊदी अरेबिया, देन यूएई, ओमान। कतार को नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है। फिर देन इंडिया के बाद बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड देन ताइवान। हम यदि वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो ये उधर हम यदि वेस्ट ऐसे तो इसको जो पैसिफिक क्वेश्चन है उसको उल्टा देखा जाता है, इसको जो वेस्टर्न साइड है उसको बोला जाता है ईस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन। तो उस तरफ से हम देखते हुए आते हैं तो हम देखते हैं तो ये पैसिफिक क्वेश्चन, देन अटलांटिक ओशन, देन रेड सी क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड देन इंडियन ओशन, उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ताइवान स्ट्रेट, इनको भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटती है, या उसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये सारी जो कंट्रीज है और जो वाटर बॉडीज है ये फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर।
अभी हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि हमारे देश में चल रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। जो वोट की वैल्यू है वो एमएलए और एमपी की डिफर करती है। इसमें एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 708 है, और जो एमएलए की जो वैल्यूज है वो स्टेट वाइज डिफर करती है। इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, जो कि राइट नाउ 208 उत्तर प्रदेश की एक एमएलए की वोट की वैल्यू है। वहीं सिक्किम की सबसे कम 7 उसकी वोट की वैल्यू है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में कभी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन का, वो कंप्राइज करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑल्सो, और यूनियन टेरेटरी जो है वो दिल्ली, पॉन्डिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों पार्टिसिपेट कर रही है चुनाव में। जो डिलिमिटेशन हुआ था, जो जो सेंसस है, मतलब जो जिसमें पॉपुलेशन वाइज जो एक हर स्टेट को सीट्स अलॉट करी गई है, वो है सेंसस 1971 का, और इसको 2026 तक नहीं छेड़ा जाएगा। इसके लिए जो भी उम्मीदवार होता है उसको कम से कम 50% टोटल वोट कास्ट प्लस वन उसको प्राप्त करने होते हैं। ये एक सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के थ्रू, जिसके अंदर सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल करके ये इलेक्शन करवाए जाते हैं, ये चुनाव करवाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें कोई भी पार्टी व्हीप जारी नहीं कर सकती। एक प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति चुनाव में व्हीप जारी नहीं होता है, ये एक अहम फैक्ट है। सेवन सिस्टर स्टेट पर नजर डाल लेते हैं। इससे कभी कभार काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि सेवन सिस्टर स्टेट के जो है वो किससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या है। अरुणाचल प्रदेश, बिगिन विथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और चाइना और म्यांमार तीनों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। वहीं नागालैंड है, नागालैंड जो है अपने अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं मणिपुर पे, तो मणिपुर जो है वो आसाम, नागालैंड और मिजोरम से अपनी बॉर्डर शेयर अपनी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर देन वी कम्स टू मिजोरम, मिजोरम मिजोरम जो है वो मणिपुर, म्यांमार और त्रिपुरा से और आसाम से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट सेवन सिस्टर स्टेट। उसके अलावा मेघालय भी है और आसाम भी है, जो कि अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विद डिफरेंट स्टेट एंड विद डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। क्लॉज 3 जो आर्टिकल 243D ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पंचायती राज से डील करता है, इसके अंदर ये कहता है कि जो महिलाएं हैं उनको कम से कम एक तिहाई जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, वो आउट ऑफ टोटल सीट्स जो है जो कि फील्ड करी जानी है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। उसके अलावा जो भी चेयरपर्सन जो पंचायत में होते हैं, तीनों त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायत व्यवस्था है, 3 टीयर्स जिसे बोलते हैं, 3 टायर, उसके अंदर भी उनका जो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 1/3 ऑक्यूपाइड होगी महिलाओं के द्वारा। ये क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 243D ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि उनका जो महिलाओं का है वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाए पंचायती राज में। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके वो जारी करता है। पहले आरबीआई जो अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो भी पॉलिसी थी वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से पैक कर रखी थी, अब उसने आरबीआई ने इसको चेंज करके सीपीआई से पैक कर दिया है उसको, अपनी इन्फ्लेशन पॉलिसी को उसको बनाने के लिए। अब वो सीपीआई को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई जो है वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, वो पब्लिश करता है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चीफ लीगल एडवाइजर होता है, और वो इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाला एडवोकेट होता है। उसको अपॉइंट जो कराया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जाता है, और एडवाइस ऑफ इंडियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1।
और वो जो ऑफिस जो होल्ड करते हैं वो राष्ट्रपति प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।